नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, जो कि है यदि एम टेन थीटा माइनस 30 इक्वल टू एन टेन थीटा प्लस 120, तो साबित करें कि कॉस टू थीटा इक्वल टू एम प्लस एन अपॉन टू इंटू एम माइनस एन। तो यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन, पहले हम लिख लेंगे प्रश्न से एम टेन थीटा माइनस 30 इक्वल टू एन टेन थीटा प्लस 120, ये हमको दिया हुआ है देखिए यहाँ पे। उसके बाद देखिए यहाँ पे एम टेन थीटा माइनस 30 अपॉन एन कर लेंगे, क्योंकि एन यहाँ पे देखिए गुना में है तो इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिख लेंगे इक्वल टू टेन थीटा प्लस 120। उसके बाद देखिए एम अपॉन एन कर लेंगे और लिख लेंगे टेन थीटा प्लस 120 और टेन थीटा माइनस 30। उसके बाद देखिए और करके लिख लेंगे, इसको इधर कर लेंगे टेन थीटा प्लस 120 अपॉन टेन थीटा माइनस 30 इक्वल टू एम अपॉन एन। अब देखिए युगांतर निष्पत्ति से यानी कंपोनेंडो और डिविडेंडो, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, उसके अनुसार देखिए यहाँ पे ऐसे कर लेंगे टेन थीटा प्लस 120 प्लस टेन थीटा माइनस 30, टेन थीटा प्लस 120 माइनस टेन थीटा माइनस 30 इक्वल टू एम प्लस एन अपॉन एम माइनस एन। स्टूडेंट्स ये देखिए युगांतर निष्पत्ति एक थ्योरम है जिसके अनुसार हम ऐसे पहले कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे है, ये टेन ए प्लस बी के फॉर्म पे है और ये देखिए टेन ए माइनस बी के फॉर्म पे है, ये भी देखिए टेन ए प्लस बी के फॉर्म पे है और ये टेन ए माइनस बी के फॉर्म पे है। इसको पहले हम फॉर्मूले पे सेट कर लेंगे, तो यहाँ पे लिख लेंगे टेन ए प्लस बी इक्वल टू होता है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी, तो लिख लेंगे टेन थीटा प्लस टेन 120 अपॉन वन माइनस टेन थीटा टेन 120 प्लस टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी, तो यहाँ पे भी लिख लेंगे टेन थीटा माइनस टेन 30 अपॉन वन प्लस टेन थीटा इंटू टेन 30, फिर होल अपॉन कर देंगे टेन थीटा प्लस टेन 120 अपॉन वन माइनस टेन थीटा इंटू टेन 120 माइनस टेन थीटा माइनस टेन 30 अपॉन वन प्लस टेन थीटा इंटू टेन 30 इक्वल टू एम प्लस एन अपॉन एम माइनस एन। तो यहाँ पे देखिए अब हम इसका फॉर्मूला मेंशन कर देंगे जो कि टेन ए प्लस बी का होता है और टेन ए माइनस बी का होता है। तो यहाँ पे देखिए टेन 120 का होता है माइनस रूट थ्री, तो यहाँ पे पहले हम उसका वैल्यू लिख देंगे, तो हो जाएगा टेन थीटा प्लस माइनस रूट थ्री अपॉन वन माइनस टेन थीटा इंटू माइनस रूट थ्री, प्लस देखिए टेन थर्टी का होता है वन बाई रूट थ्री, टेन थर्टी का वैल्यू होता है तो वहाँ पे हम पुट कर लेंगे, तो हो जाएगा टेन थीटा माइनस वन बाई रूट थ्री अपॉन वन प्लस टेन थीटा इंटू वन अपॉन रूट थ्री, और देखिए होल अपॉन हो जाएगा टेन थीटा प्लस माइनस रूट थ्री अपॉन वन माइनस टेन थीटा इंटू माइनस रूट थ्री माइनस टेन थीटा माइनस वन अपॉन रूट थ्री होल अपॉन वन प्लस टेन थीटा इंटू वन अपॉन रूट थ्री इक्वल टू हो जाएगा एम प्लस एन अपॉन एम माइनस एन। अब देखिए स्टूडेंट्स इसको हम आगे सोल्व कर लेंगे, तो हो जाएगा टेन थीटा माइनस रूट थ्री अपॉन वन प्लस रूट थ्री टेन थीटा प्लस रूट थ्री टेन थीटा माइनस वन अपॉन रूट थ्री, यहाँ पे रूट थ्री एलसीएम ले लिया है। उसके बाद देखिए अपॉन हो जाएगा वन प्लस वन बाई रूट थ्री इंटू टेन थीटा। उसके बाद देखिए यहाँ पे होल अपॉन हो जाएगा टेन थीटा माइनस रूट थ्री अपॉन वन प्लस रूट थ्री इंटू टेन थीटा माइनस रूट थ्री टेन थीटा माइनस वन अपॉन रूट थ्री अपॉन वन प्लस वन बाई रूट थ्री टेन थीटा इक्वल टू एम प्लस एन अपॉन एम माइनस एन। उसके बाद देखिए आगे फिर हम सोल्व कर लेते हैं, तो हो जाएगा टेन थीटा माइनस रूट थ्री अपॉन वन प्लस रूट थ्री टेन थीटा प्लस रूट थ्री टेन थीटा माइनस वन अपॉन रूट थ्री एलसीएम यहाँ पे ले लेते हैं। उसके बाद देखिए अपॉन रूट थ्री प्लस टेन थीटा और इसका भी एलसीएम हो जाएगा रूट थ्री, होल अपॉन हो जाएगा टेन थीटा माइनस रूट थ्री अपॉन वन प्लस रूट थ्री टेन थीटा माइनस रूट थ्री टेन थीटा माइनस वन अपॉन रूट थ्री अपॉन रूट थ्री प्लस टेन थीटा अपॉन रूट थ्री। यहाँ भी देखिए एलसीएम, ये दोनों का एलसीएम रूट थ्री है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी देखिए रूट थ्री कैंसिल हो जाएगा, फिर यहाँ पे इक्वल टू में करके लिख देंगे एम प्लस एन अपॉन एम माइनस एन। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे लिख देंगे टेन थीटा माइनस रूट थ्री अपॉन वन प्लस रूट थ्री टेन थीटा प्लस
रूट थ्री टेन थीटा माइनस वन अपॉन रूट थ्री प्लस टेन थीटा होल अपॉन टेन थीटा माइनस रूट थ्री वन प्लस रूट थ्री टेन थीटा माइनस रूट थ्री टेन थीटा माइनस वन अपॉन रूट थ्री प्लस टेन थीटा इक्वल टू एम प्लस एन ए माइनस एन। उसके बाद देखिए स्टूडेंट, वन प्लस रूट थ्री टेन थीटा इंटू रूट थ्री प्लस टेन थीटा एलसीएम ले लेंगे, यहाँ भी वही करेंगे, वन प्लस रूट थ्री टेन थीटा इंटू रूट थ्री प्लस टेन थीटा एलसीएम ले लेंगे, ये दोनों देखिए कैंसिल हो जाता है और यहाँ पे देखिए इक्वल टू में करके लिख देंगे एम प्लस एन अपॉन एम माइनस एन। अब उसके आगे देखिए सोल्व कर लेते हैं, जो मेरे पास बच गया था टेन थीटा माइनस रूट थ्री इंटू रूट थ्री प्लस टेन थीटा प्लस रूट थ्री टेन थीटा माइनस वन इंटू रूट थ्री टेन थीटा प्लस वन, टेन थीटा माइनस रूट थ्री इंटू टेन थीटा प्लस रूट थ्री माइनस रूट थ्री टेन थीटा माइनस वन इंटू रूट थ्री टेन थीटा प्लस वन इक्वल टू एम प्लस एन एम माइनस एन। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, ए माइनस बी और ए प्लस बी के फॉर्म पे है, तो यहाँ पे लिख लेंगे ए प्लस बी, ए माइनस बी का होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख लेंगे टेन स्क्वायर थीटा माइनस रूट थ्री होल स्क्वायर प्लस रूट थ्री टेन स्क्वायर थीटा माइनस वन का होल स्क्वायर अपॉन टेन स्क्वायर थीटा माइनस रूट थ्री का होल स्क्वायर माइनस रूट थ्री टेन स्क्वायर थीटा माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू एम प्लस एन अपॉन एम माइनस एन। अब यहाँ पे देखिए सोल्व कर लेंगे तो हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा माइनस थ्री प्लस थ्री टेन स्क्वायर थीटा माइनस वन अपॉन टेन स्क्वायर थीटा माइनस थ्री माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन इक्वल टू एम प्लस एन अपॉन एम माइनस एन। उसके बाद देखिए स्टूडेंट, इसको सोल्व कर लेंगे तो हो जाएगा फोर टेन स्क्वायर थीटा माइनस फोर अपॉन माइनस टू टेन स्क्वायर थीटा माइनस टू इक्वल टू एम प्लस एन एम माइनस एन। उसके बाद आगे भी हम सोल्व कर लेंगे उसी तरह। उसके बाद देखिए यहाँ पे टू से फोर कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगा मेरे पास माइनस टू टेन स्क्वायर थीटा माइनस वन अपॉन टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन इक्वल टू एम प्लस एन अपॉन एम माइनस एन। उसके बाद देखिए यहाँ पे आगे हो जाएगा टू इंटू वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू एम प्लस एन अपॉन एम माइनस एन। तो देखिए यहाँ पे वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कॉस टू थीटा, तो यहाँ पे इसके बदले में ये पुट कर देंगे तो हो जाएगा टू कॉस टू थीटा इक्वल टू एम प्लस एन एम माइनस एन। उसके बाद देखिए यहाँ पे हो जाएगा कॉस टू थीटा इक्वल टू एम प्लस एन अपॉन टू एम माइनस एन, यहाँ देखिए टू गुना में है तो यहाँ पे आके देखिए भागम हो गया है और यही हमें प्रूव करना था।